हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल जेएमबी स्टडी टिप चल में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बागवती से वर्गमूल निकालना सीखेंगे। तो इसके लिए हमने तीन सवाल लिए हैं, तीनों सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल हैं। तो दोस्तों, बागवती से वर्गमूल निकालने के लिए आपको 10 तक वर्गमूल याद होना ज़रूरी है। तो हमारा पहला सवाल दिया है 784, और दूसरा सवाल दिया है 1296, और तीसरा सवाल दिया है 38,416। तो तीनों सवालों को एक एक करके हल करेंगे। तो दोस्तों, पहला सवाल दिया है हमारा 784। तो एक लाइन इस तरफ खींच लेंगे, एक लाइन इस तरफ खींच लेंगे, तो हम दाईं तरफ से जोड़ा बनाएंगे। तो 84 का तो जो जोड़ा बन रहा है, लेकिन 7 का नहीं बन रहा है। तो ऐसी संख्या का वर्ग देखेंगे जो 7 से छोटा हो या बराबर हो, लेकिन कभी बड़ा ना हो। तो 2 का वर्ग कितना होता है 4, 3 का वर्ग कितना होता है 9। तो 3 का वर्ग 9 होता है, ये संख्या तो ज़्यादा हो गई, 2 का वर्ग लिखेंगे। तो 2 का वर्ग कितना होता है 4। जिस संख्या का वर्ग लिखते हैं उसको ऊपर लिख दो, और उसी संख्या को डबल करके जोड़ दो। तो 2 2 कितने जाएंगे 4। अब इनको घटाएंगे, 7 में से 4 गए तो कितना बचेगा 3। और इसमें हमेशा जोड़ा का उतारा लेते हैं, तो 84 की 84। अब जोड़कर संख्या कितनी है 4, इसको उठा लेंगे। अब ऐसी संख्या से गुणा करेंगे जो हमें 384 प्राप्त हो जाए। तो 2 के वर्ग के पीछे 4 आती है, और 8 के वर्ग के पीछे 4 आती है, क्योंकि हमें यहाँ से भी पता लग रहा है कि हमें पीछे क्या चाहिए, 4 चाहिए। तो पहले 2 से चेक कर लेते हैं, तो 2 4 और 2 से 4 से गुणा कर दो 8, तो 84 आई है। ये संख्या तो बहुत छोटी है, तो अब 8 से चेक कर लेते हैं। तो 4 को लिख लेंगे और 8 को आगे पीछे लिख लेंगे, 8 से गुणा करेंगे तो 8 2 64 की 4, और 8 से 4 से 8 4 32, 16 की 6 38। तो हमें 384 मिल गई, किसके गुणा करने पर 8 के, तो 384 लिख देंगे यहाँ। किससे गुणा किया है 8 से, और जिस संख्या से गुणा की है उसको डबल करके जोड़ दें, तो 8 8, तो 8 2 16 की 6, 1 16 इसमें जुड़े 56। इनको घटाएंगे तो 384 में से 384 चली जाएगी, तो क्या बचेगा कुछ नहीं। तो 784, तो इसका वर्गमूल कितना निकल गया है 28। तो ये हमारा क्या है आंसर है। अब नेक्स्ट सवाल दिया है हमारा 1296। तो 1296 को लिख लेंगे, एक लाइन इस तरफ खींच लेंगे, एक लाइन इस तरफ खींच लेंगे, जोड़ा बनाएंगे। तो 96 का जोड़ा बनना है, 12 का भी जोड़ा बनना है। तो ऐसी संख्या का वर्ग देखेंगे जो 12 से ज़्यादा ना हो जाए, बराबर मिल जाए, तो उसको लिख सकते हैं, लेकिन कभी बड़ी संख्या नहीं लिखेंगे। तो 2 का वर्ग कितना होता है 4, 3 का वर्ग 9, और 4 का वर्ग 16। तो 4 का वर्ग कैसा वर्ग है ज़्यादा, तो क्या लिखेंगे 3 का वर्ग। तो 3 का वर्ग कितना होता है 9। जिस संख्या का वर्ग लिखते हैं उसको ऊपर लिखते हैं, और उसी संख्या को डबल करके जोड़ देते हैं, तो 3 3 कितने जाएंगे 6। अब इनको घटाएंगे, 12 में से 9 गए तो कितना बचेगा 3। इसमें उतारा किसका लेंगे 96 का, क्योंकि इसमें हमेशा जोड़ा का उतारा लेते हैं, तो 96। अब संख्या कितनी बनेगी 396। अब इसमें देखेंगे कि लास्ट में क्या आ रही है 6। तो हम देखेंगे किस किस संख्या के पीछे 6 आती है। एक तो 4 के वर्ग के पीछे क्या आती है 6, और एक 6 के वर्ग के पीछे कितनी आती है 6। तो इन्हीं दोनों संख्याओं से पहले गुणा करके देख लेते हैं। तो जुड़कर संख्या कितनी है 6, इसको लिख लेंगे, और 4 को आगे लिख देंगे, पीछे लिख देंगे, इनका गुणा करेंगे। तो 4 4 16 की 6, 6 6 24 24, में एक जोड़े तो 25, तो कितनी 256, तो बहुत छोटी। अब 6 से गुणा कर लेंगे, तो 6 इस 6 को आगे और पीछे, तो 36 36 की 6, और 36 36 3 16 की 39, हमें मिल गई 396, इसी की हमें ज़रूरत थी, तो 396 लिख देंगे। किसके गुणा करने पर मिली है 6, तो 6 को ऊपर लिख देंगे, और 6 को डबल करके जोड़ देंगे, तो 6 6 12 की 2, और 6 में एक जोड़ेंगे तो
394 से 394 तो क्या बचेगा? कुछ नहीं। तो 1296, तो इसका वर्गमूल कितना निकल गया है? 36। यही हमारा क्या है? आंसर है। तो दोस्तों हमारा तीसरा सवाल दिया है 38 41 6, तो इसका हम वर्गमूल निकालेंगे भागविधि द्वारा। तो इसको लिख लेंगे 38 41 6, एक लाइन इस तरफ खींच लेंगे, एक लाइन इस तरफ खींच लेंगे, इसके पेयर बनाएंगे तो 16 का पेयर बन रहा है और 84 का बन रहा है, लेकिन 3 का नहीं बन रहा है। तो 3 से शुरुआत करेंगे तो ऐसी संख्या का वर्ग देखेंगे जो 3 से ज़्यादा ना हो जाए। तो 2 का वर्ग कितना होता है? 4, तो बहुत ज़्यादा हो रही है। तो फिर क्या लिखेंगे? 1 का वर्ग कितना होता है? 1, तो 1 का वर्ग लिखेंगे, 1 की 1, एक ऊपर लिख दें और जिस संख्या का वर्ग लिखते हैं उसको डबल करके जोड़ देते हैं, तो 1 1, तो 1 1 कितने आएंगे? 2। अब इनको घटाएंगे तो 38 में से, अब इनको घटाएंगे तो 3 में से 1 गया तो कितना बचेगा? 2। तो तारा हमेशा इसमें जोड़ा कर लेते हैं, तो तारा किसका लेंगे? 84 का। तो संख्या कितनी बनेगी? 284। तो अब हम किस संख्या से गुणा करें कि 284 मिल जाए? तो पहले 2 को लिख लेंगे और 1 से चेक करेंगे, तो 1 से चेक करेंगे तो 21 की 21 आ गई। तो थोड़ी बड़ी संख्या से चेक करते हैं, पहले 8 से करते हैं, तो 8 लिख आगे और 8 पीछे, तो 2 2 64 की 4, 8 2 16, 16 6 22, तो 224 से तो बहुत छोटी है अभी। अब और बड़ी संख्या ले लेंगे, 2, तो 9 से चेक करते हैं, 9 आगे 9 पीछे, तो 9 9 में 81 की 1, 9 2 18 और 18 में 8 जोड़ेंगे तो कितने जाएंगे? 26, तो 261। अब 10 से गुणा करेंगे तो संख्या बड़ी हो रही है, तो 9 से गुणा करने पर कितनी मिलेगी? 261, तो इसको लिख देंगे, तो 261। जिस संख्या से गुणा करते हैं उसको डबल कर देंगे तो 9, उसको जोड़ देंगे तो 9 9 कितने जाएंगे? 18 18 की 8, और 2 में 1 आंसुलाई जोड़े 3, और किसका गुणा किया है? 9, इसको ऊपर लिख देंगे। अब इसको घटाएंगे तो 4 में से 1 गई तो 3, 8 में से 6 गया तो 2, 2 में से 2 गया तो कुछ नहीं, उतारा लेंगे 16 का, क्योंकि इसमें जोड़ा का उतारा लेते हैं। अब यहाँ कितनी है? 38, यहाँ कितनी है? 2316, तो किस संख्या का गुणा करें कि हमें 2316 प्राप्त हो जाए? तो हम देखेंगे कि किस संख्या, यहाँ कितनी है? 6, तो 4 के वर्ग के पीछे 6 आती है और 6 के वर्ग के पीछे 6 आती है, तो पहले 4 से चेक कर लेते हैं, उसके बाद 6 से चेक कर लेंगे। 38 4 आगे लिख लेंगे, 4 पीछे लिख लेंगे, 16 की 6 32 32, और एक आंसू लाई 33 की 3, 4 12 12 में 3 जोड़ेंगे तो कितने जाएंगे? 15, तो कितनी आ रही है? 1536। हमें कितने चाहिए? 2316। अब हम 6 से देख लेते हैं, तो 38 लिख लेंगे, 6 को आगे लिख देंगे, 6 को पीछे लिख देंगे, चकानक 36 की 6, 8 6 48 48 में 3 जोड़ेंगे तो कितने हैं? 51 51, ये आंसुलाई 5, 36 18 18 में 3 जोड़ेंगे 23, तो मैं कितनी मिली? 2316, इसी की हमें ज़रूरत थी, तो किसके गुणा करने के मिली? 6 से, तो इसको लिख दें 2316, यहाँ लिख देंगे 6, तो 6 को डबल लिख देंगे और उसमें जोड़ देंगे, तो जोड़ेंगे तो कितने जाएंगे? 6 2 12 8 1 9 और 3, इसमें से घटाएंगे तो क्या बचेगा? कुछ नहीं। तो संख्या 38
और 416 इसका वर्गमूल कितना निकल गया है, 196। यही हमारा क्या है आंसर है।